हाय फ्रेंड, मधु ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं भंडारे वाली लौकी का सब्जी बनाने। फ्रेंड, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जी बनाएंगे और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो कहीं पे भी आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम बनाने। तो देखिए, हमने कद्दू को कट लगा के रख लिए हैं और उसके लिए हमने एक दो टमाटर लिए हैं, 6 से 7 हरी मिर्च और अदरक। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने कट लगा के रख लिए हैं और हमने कढ़ाई को गर्म होने दे दिए। तो मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, पहले हम इसमें डाले हैं हींग, उसके बाद इसमें हम जीरा डालेंगे और जीरा को अच्छी तरह से चिटकने देंगे। जब जीरा अच्छी तरह से चिटक जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसमें हम कटी हुई लौकी डालेंगे। फ्रेंड, तो देख सकते हैं मेरा जीरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें हम कटी हुई मिर्ची डालेंगे। तो आप जैसा तीखा खाते हैं वही अनुसार से मिर्ची डालें। फ्रेंड, हम तो 8 से 10 मिर्ची कट लगा के रख लिए थे, मेरा तीखा वाला मिर्ची नहीं था। तो हमने देखी अदरक को भी कूट के रख लिए थे, तो इसे भी डाल के हम अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे पहले। तो देखिए, इसे हम भून लेते हैं। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसमें हम डालेंगे कटी हुई कद्दू। तो देखिए लौकी, तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे डाल दिए हैं और इसे अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं हम लौकी को कितने बड़े बड़े टुकड़े में कट लगाए हैं। इस तरीके से ही कट लगाना है फ्रेंड। ये तो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, इसमें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए, इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और इसमें अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद भी इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने नमक डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर। तो देखिए, हमने हल्दी पाउडर डाल दिए। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो इसे हम ढक के छोड़ देंगे। तो फ्रेंड, इसे हम ढक के छोड़ देंगे। तो पहले हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसे हमें ढकना है। तो देखिए, हमने ढक दिए हैं और 4 से 5 मिनट तक हम इसे ढक के छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं मेरा इस तरीके से पक के रेडी हुए हैं, देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसमें पानी छोड़ दिए हैं फ्रेंड। तो इसे हमें थोड़ा सा चला लिए हैं, उसके बाद ऊपर से हमने कटी हुई टमाटर डाल देंगे। तो देखिए, हमने डाल दिए हैं, देख सकते हैं। अब टमाटर डालने के बाद इसे भी हम मिक्स करेंगे और अब इसे हम ढक के ना भूनेंगे फ्रेंड, इसे हम फुल फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो मेरा कद्दू देख सकते हैं अच्छी तरह से पक चुका है। तो इसका सिर्फ पानी हमें सुखाना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें चलाते रहना है, छोड़ने नहीं है फ्रेंड। तो देख सकते हैं लगभग मेरा लौकी का पानी सूख ही चुका है और कलर भी सब्जी का बहुत ही ज़्यादा सुंदर आए हैं, देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरा सब्जी अब बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई कुछ धनिया पत्ता डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमने मिक्स कर लिए हैं, देख सकते हैं। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकालेंगे, उसके बाद फिर आपको हम दिखाएंगे फ्रेंड। तो देखिए, इसे हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया है और इसके ऊपर से भी हम कुछ धनिया पत्ता ऐड करेंगे। तो देखिए, हमने डाल दिए, देख सकते हैं मेरा सब्जी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गया। और इस तरीके का सब्जी भंडारे वाले बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो इस तरीके का सब्जी आप सब भी ज़रूर बनाएं फ्रेंड, और कमेंट में ज़रूर लिखें कैसी लगी ये सब्जी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले है। जो कद्दू का सब्जी नहीं खाते हैं फ्रेंड, वो भी उंगलियाँ चाट चाट के खाएँगे। तो फ्रेंड, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।